हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को करवा चौथ माता की कथा सुनाने वाली हूं। अगर आप लोग पूजा पाठ के समय इस कथा को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को चलाकर सुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए और देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को बोला, खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और निर्जला व्रत है। वह खाना तभी खाएगी जब चंद्रमा को देख करके अर्घ दे लेगी और पूजा कर लेगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूखी प्यासी ही व्याकुल हो उठी और सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदय हो गया है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे लो, पूजा कर लो, उसके बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे चीख आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके बाल निकल आता है, मतलब कि खाने में बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है उसके पति की मृत्यु का समाचार उसको मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। तो सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सातित्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी और पुनर्जीवन दिलवाएगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके बाद ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती थी। एक साल के बाद करवा चौथ का दिन आया। उसके सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी को यह सुई ले लो, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, ऐसा करके बोलती है, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है उनकी भाभियों से। लेकिन हर बार भाभियां उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटी भाभी की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, सबसे छोटे भाई की बीवी थी वो, सबसे छोटे भाई की वजह से ही उसका ये व्रत टूटा था। उसकी पत्नी ही में ही शक्ति थी कि वह तुम्हारे पति को दोबारा से जीवित कर सकती है, लेकिन जब वह आई तो तुम उसे पकड़ लेना जब तक कि वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे, उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी आग्रह करती है, सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन टाल मटोल करने लगती है उसकी छोटी भाभी। ऐसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छोड़ने के लिए नोचती है, खसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और उसे छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है, वह पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपने सुहाग वापस मिला। इसी प्रकार सभी सुहागिनों को अपना सुहाग वापस मिले। जो भी सुहागिन महिला इस व्रत को करती है सभी के
सुहाग सलामत रहें और श्री गणेश की माँ गौरी जी जिस प्रकार से करवा के चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सभी सुहागन को मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। करवा चौथ की पूरी पूजा विधि मैंने अपने वीडियो में डाली हुई है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पूजा पाठ से रिलेटेड विधि विधान से पूजा की है, करवा की थाली कैसे सजाएँ, चंद्र को अर्घ कैसे दें, सारी पूरी लाइव मैंने आप लोगों को करके दिखाया है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना ना भूलें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। जय माता दी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।